सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनीता सुंदर रावत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ। हमारे महर्षि कर्ण योग समिति के आन बान शान हैं ये बच्चे, सारे बच्चे। बहुत ही कम समय में इन्होंने प्रैक्टिस की और MKVN स्कूल में योग प्रतियोगिता में भाग लेकर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन में बहुत बड़ी जीत हासिल की है और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं ये। बच्चों को देख के और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, तो इनके लिए प्लीज़ एक लाइक कमेंट्स तो बनता है, प्लीज़ करिए। जिन भाई बहनों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, धन्यवाद। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तैयार रहेंगे और अभी महर्षि कर्ण समिति कोटद्वार गर्ल्स योग प्रतियोगिता। और बेटा ट्रैक अपना पहले तैयार करके लाएं। थैंक यू सो मच। आपका परफॉर्मेंस सीधा स्टार्ट हो जाए। Thank you.
नट योग समिति बॉयज और ब्रॉन्ज मेडल्स भी दे दीजिए साथ साथ, टाइम टाइम का है साथ साथ ब्रॉन्ज मेडल भी दीजिए, एक एक बच्चे को पहना दीजिए सर प्लीज, जोरदार तालियां। और तुरंत इसके बाद नवशिखर योग समिति गर्ल्स सेकंड पोजीशन गजा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ दौड़ते हुए सेकंड नंबर आए गर्ल्स महर्षि कांडियोग समिति वाले बच्चे, मैडम रजनी अग्रवाल जी भी कृपया मंच पर आ जाए, और थर्ड नंबर पे आए बॉय शानदार। आपके लिए जज्बे को सलाम भाई राकेश कंडराल जी के जज्बे को सलाम, गर्ल और बेस्टियों की बॉय श्रेया नेगी और निवेश कंसोरी महर्षि कर्ण योग समिति कर्ण नगरी कोटद्वार, भाई नीरज नेगी जी हमारे आदरणीय जिन्होंने समिति का जब गठन किया था तो मुझसे पूछा था कि क्या नाम रखना चाहिए, और मुझसे तो जो भी कहेगा मैं या तो महर्षि कर्ण कहूंगा या सम्राट भरत कहूंगा या शकुंतला कहूंगा, और मैंने वही कहा और उन्होंने तुरंत इस समिति का नाम महर्षि कर्ण योग समिति घोषित किया था, उनका बारम्बार धन्यवाद। आदरणीय देवेंद्र बिष्ट जी जो कि महर्षि कर्ण योग समिति के पदाधिकारी भी है, हमारी आयोजन समिति के पदाधिकारी भी है, और देखिए सुबह से आप लगातार हमारे साथ बने हैं, सुबह कर्ण आश्रम में यज्ञ हुआ वहां से आप अभी तक हमारे साथ बने हैं और अगले 3 दिन भी बने रहेंगे और जीवन भर बने रहेंगे, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई भारद्वाज जी और बिष्ट जी और भाई हरि सिंह कोटियार जी को।